News 18, India. उनकी ओर से एक्शंस कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी के शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हैं सबसे पहले, फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि समय आने पर जानकारी दूंगा, यानी कि मना नहीं किया, इनकार न करना। क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि बातचीत चल रही है, जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सिरे से इनकार कर देते, लेकिन खारिज नहीं किया है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी संगठन में जो बदलाव किए गए उसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद से कमलनाथ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और सबसे बड़ी नाराजगी तो इस बात की कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। कह रहे हैं जी आप लोग एक्साइट हो रहे हैं, मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों को अफवाह बता दिया है। ये बड़ी खबर जीतू पटवारी नकार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे, कोरी अफवाह ये है। इसके पहले दिग्विजय सिंह भी कुछ इसी तरह की बात कह चुके हैं। सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलके किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं। 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी, उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी, अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है, कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। कुछ किस्से जरूर जीतू पटवारी बता रहे हैं लेकिन अभी की जो हालिया स्थिति है उन किस्सों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जब सवाल आपने किया अगर नहीं होते शामिल तो सीधे सीधे इनकार कर देते, लेकिन इनकार ना करके ये कहना कुछ होगा तो बताऊंगा, यानी कि कुछ तो हो रहा है अंदर। देखिए, जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर भंवर जितेंद्र सिंह हो, तीनों ने मनाही की, अटकलों को खारिज किया है कमलनाथ की कांग्रेस से संबंधों को देखते हुए, पारंपरिक रिश्ते को देखते हुए, लेकिन खुद जिनको लेकर अटकलें चल रही है वो इन अटकलों को खारिज नहीं कर रहे हैं, सवाल और जवाब से साफ था। लेकिन देखिए, अब से कुछ देर बाद ऐसी भी खबरें बार बार आ रही है कि हो सकता है कमलनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी तौर पे बातचीत लगातार हो रही है, भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के नेताओं से लगातार संपर्क में है, हो सकता है कि कमलनाथ से भी बातचीत करने की कोशिश की जाए, लेकिन कमलनाथ को लेकर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाने के जो अटकलें हैं। नकुलनाथ भले दिल्ली ना आए हो सकता है अभी 2 दिनों की बैठक, एक अधिवेशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद उससे पहले कुछ ना कुछ बातें दूसरे नेताओं से कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही होंगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो और उनके बेटे पार्टी का दामन यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, इस बात की संभावना
बढ़ गई है। नीरज जरा एक बात भी बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, उनके साथ तो कमलनाथ की मुलाकात हो चुकी है पहले, बीते दो महीने में तीन बार दोनों की मुलाकात की खबरें हैं। अब क्या जब दिल्ली पहुंचे कमलनाथ तो यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात आज देर शाम या फिर रात में क्या हो सकती है, ऐसी खबरें मिल रही है? देखिए, मुलाकात से खारिज नहीं किया जा सकता, आज जो बीजेपी की बैठक है वो खत्म होने वाली है, अब से थोड़ी देर पहले खत्म होने की खबर आई थी। हो सकता है कि आज शाम तक कमलनाथ किसी से मिले, लेकिन ये जो मुलाकातें होगी वो सार्वजनिक तौर पे हो कि नहीं इस बात की गुंजाइश कम है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ कुछ ऐसी खबरें आने लगी हैं कि हो सकता है कमलनाथ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। लेकिन एक बात जो सबसे सर्वविदित है, उन्होंने जिस तरह से साफ अटकलों को खारिज नहीं किया, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनके संपर्क बने हुए। और आपने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, देखिए मुलाकात होना शिष्टाचार मुलाकात भी होती रहती है। मध्य प्रदेश में इस तरह की मुलाकातें नेताओं के बीच में, चाहे अलग अलग दलों के नेता भी हों, उनके बीच होती रहती हैं। लेकिन अभी कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबर राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा न मिलने से अशोक सिंह का नाम भले ही उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन वो चाहते थे कि खुद भी राज्यसभा जाए, ऐसी भी खबरें कांग्रेस सूत्रों से मिली हैं। लेकिन कमलनाथ बने रहेंगे कि नहीं, अगले एक दो दिनों में साफ हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं या फिर कांग्रेस में बने रहने की उनकी संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, तमाम तरह के जो अभी हमें कह सकते हैं कि अंदेशे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी इसे खारिज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, उनके साथ जब बातचीत की गई तो पूरी तरह से विराम लगाने की उन्होंने कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोरी अफवाह यह है। यह भी कहा दिग्विजय सिंह ने कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की तो उम्मीद ही नहीं है, कल ही उनसे बातचीत मेरी हुई है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि जिस शख्स ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर पूरी लड़ाई लड़ी, ऐसा शख्स सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार को छोड़ ही नहीं सकता है। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी तीसरा बेटा कहा करती थी कमलनाथ को, शायद इसीलिए ये सब चीजें कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये भी है कि बातचीत अगर होती तो थोड़ा सा भी पता चल जाता दिग्विजय सिंह को, लेकिन उन्हें शायद भनक तक नहीं थी। नीरज का फिर से रुख करते हैं। नीरज, बीजेपी तो करेगी संपर्क या कर भी रही होगी, अंदर खाने चल ही रहा होगा सब कुछ, कांग्रेस की ओर से संपर्क किया गया सोनिया गांधी की ओर से या मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, कोई खबर ऐसी निकल कर आई? क्योंकि मनाना पड़ेगा, ये डेंट बहुत भारी पड़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन खुद प्रभारी जो है भंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा हमसे बातचीत में कि वो पिछले दिनों ही उनकी कमलनाथ से बातचीत हुई और ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए, जो दलीलें दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो या भंवर जितेंद्र सिंह हो, वो जो दलीलें दे रहे कमलनाथ को लेकर, गांधी परिवार से करीब का रिश्ता रहा है, संजय गांधी के मित्र रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पे लंबे वक्त तक छिंदवाड़ा से सांसद हैं, लंबे वक्त तक लोकसभा के सांसदों में उनका नाम आता है, लेकिन जब परिस्थिति माहौल बबदलता है तो कितने से बड़े नेता भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और ये देखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, अशोक चौहान की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, सुष्मिता देव की बात करें, ये वैसे नाम है, ये तो बहुत कुछ नाम हमने लिया, इससे और भी कई, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के अलग अलग राह अपनाई है, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। और कुछ ना कुछ तो पक रहा है, भारतीय जनता पार्टी से नकुलनाथ और कमलनाथ परिवार का संपर्क जरूर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में ये जरूर कहा होता
कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। जिस तरह से विवेक तनखा ने दो दिन पहले ही अपनी बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज किया। सबके बीच बड़ी बात नीरज ये भी है कि एक तरफ तो कांग्रेस के जितने नेता है वो नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है वो किसी न किसी का कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के सवाल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह साफ साफ कहा कि बीजेपी नेतृत्व पर विश्वास रखने वाले हर शख्स का यहां स्वागत है। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ये चिंता सिर्फ अपनी नहीं है बल्कि बेटे नकुल नाथ की भी है शायद। और देखिए सबसे पहली पहल वहीं से की गई, कमलनाथ के साथ साथ उनके बेटे नकुल नाथ के भी बीजेपी में जाने की चर्चा। और इस बीच कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्स से जो प्रोफाइल है उनका बायो है वहां से सिर्फ नकुल नाथ लिखते हैं और जो है कांग्रेस हटा देते हैं, कांग्रेस नेता हटा देते हैं। ये कांग्रेस नेता हटाना किस ओर इशारा कर रहा है आप लोग समझ गए होंगे। राजनीति में ये सब चीजें किस ओर इशारा करती हैं, निश्चित तौर पर दल बदलने जा रहा है ये सभी राजनीतिक पंडित इस वक्त कह रहे हैं। और सिर्फ नकुल नाथ नहीं है, सज्जन सिंह जो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं उन्होंने भी अपनी जो बायो है ट्विटर की जो सोशल मीडिया पोस्ट एक्स है वहां से उन्होंने हटा दिया है। ये कांग्रेस हटाना इस ओर ही इशारा शायद कर रहा है कि शायद दिल अब नहीं मिल रहा है तो दल बदलने जा रहा है। कमलनाथ का इनकार न करना, नकुल नाथ का प्रोफाइल से कांग्रेस का हटा देना, सज्जन सिंह का कांग्रेस हटा देना शायद इस ओर ही इशारा कर रहा है। भारत संविधान से चलता है, आपके कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं। वोट बैंक की राजनीति से इतना तो आप मानते हैं ना? मैं आपको चुनौती देती हूँ, साबित करके दिखाई। क्यों नहीं बोलूंगी, ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, मुद्दे पर आइए ना, राजनीति से साबित करके दिखाइए। एक ऐसा डिबेट शो सुनाई देती